कम से कम जो हैजा फैला हुआ है यहाँ पे, जो मच्छर है, मलेरिया फैला हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी पूरा गाँव में घरों में भरा हुआ है। स्थितियाँ बहुत नाजुक हैं, हर घर से चार चार पाँच पाँच जो है लोग बीमार हैं। लोग बेचारे यहाँ से जो है सब दौड़ दौड़ के जाते हैं तहसील तक, और वहाँ भी नहीं सुनी जा रही है। यहाँ की जो है स्थिति बहुत दयनीय है, ना कोई यहाँ विधायक सांसद कोई भी नेता जो है ध्यान नहीं आता। ग्राम प्रधान से बात हुई, ग्राम प्रधान आते हैं देख करके वो भी चले जाते हैं। हम लोग बच्चों को जब स्कूल ले जाते हैं तो इस चाला से डूब डूब के ले जाते हैं और बच्चे गिरते हैं, इसी में बहुत परेशानी है। सुनवाई तो कुछ भी नहीं हो रही है। अब ये जो है सारा खेल पीएनसी और एनएच का है, यहाँ सांसद और विधायक न कोई सुनने वाला न कोई, चूंकि अभी सब ये कटोरा लेके जो है खड़े हो जाएंगे कि भैया वोट देना सरकार बनाना जो है, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो, कोई भी हम लोगों की जो है समस्याओं के निवारण हेतु यहाँ कोई नहीं आ रहा है। दो साल तक पानी, और जब पानी आवा तो तब इधर ले जाते, नहीं आवा तब इधर ले बीच गाँव ले जाते। ये अगर ये नाला ये बंद कर दिया जाए अभी भर जाएगा पानी, रात भर में पानी दुआरे चले जाएगा हमारे। विकास के नाम पर ग्रामीणों के जीवन से खिलवाड़, गांव में भरा नाले का पानी, लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन को लागू हुए करीब 7 साल पूरे हो चुके हैं और सरकार लगातार इस योजना के सफल होने के दावे भी कर रही है, लेकिन हकीकत में नुमाइंदे सरकार की इन योजनाओं को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रदेश व केंद्र सरकार स्वच्छता को लेकर जितने भी दावे कर रही हो, लेकिन अधिकारी इसके प्रति कतई गंभीर नहीं है। इसका उदाहरण कानपुर के बिल्लौर तहसील के जीटी रोड स्थित गांव तातियागंज में है। यहां कानपुर अलीगढ़ हाईवे में निर्माण कंपनी पीएनसी की घोर लापरवाही सामने देखने को मिलती है। हाईवे के चौड़ीकरण के बाद चौबेपुर के तातियागंज गांव के लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। चौड़ीकरण के दौरान पीएनसी कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा सभी पुलिया को तोड़ दिया गया था, जिसके बाद गाँव के लोग सीवर के पानी की समस्या से काफी जूझ रहे हैं और लोगों को आने जाने में समस्या हो रही है। लोगों की समस्या से जिम्मेदार लोग अनजान बने हुए हैं, जिम्मेदारों की अनदेखी का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। गांव की तस्वीर ये आज की नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से गांव की यही तस्वीर है। गांव में सीवर का पानी 2 फुट तक भर जाता है। जब गाँव के लोग अधिकारी, विधायक, सांसद या ग्राम प्रधान से शिकायत करते हैं तो केवल अनसुनी की जाती है, जिसके कारण नाले और बरसात का पानी गाँव में ही भरा रहता है। हाईवे निर्माण कंपनी की ओर से गांव में जो नाला बनाया गया उसकी ऊंचाई गांव के लेवल से 1.5 फुट ऊंची कर दी गई, जिसकी वजह से गांव का पानी उस नाले में नहीं जा पाता। हालांकि इस समस्या को लेकर गांव वालों ने महिला प्रधान से लेकर सांसद व विधायक तक से शिकायत करी है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं नाले के भरे पानी से बीमारियों के अलावा हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। यहाँ के गाँव में कम से कम जो हैजा फैला हुआ है, यहाँ पे जो मच्छर है, मलेरिया फैला हुआ है, पानी भरा हुआ है। गांव के जो पीएनसी में जो बन रहा है उससे पीएनसी नाला रोक दिया है, पानी पूरा गाँव में घरों में भरा हुआ है। स्थितियां बहुत नाजुक हैं, हर घर से चार चार पांच पांच जो है लोग बीमार हैं, जो कि जो है डेंगू का इलाज कहीं कानपुर में करा रहे हैं, कहीं कहीं करा रहे हैं। स्थितियां पानी ये जो है जब से पीएनसी का काम चालू हुआ, जब से हाईवे चालू हुआ तब से पानी भरा हुआ है, और ये जो है यहाँ की जो है स्थिति बहुत दयनीय है, ना कोई यहाँ विधायक सांसद कोई भी नेता जो है ध्यान नहीं आता। स्थितियाँ ये है कि गांव का हर व्यक्ति बीमार है और परेशान है। ग्राम प्रधान से बात हुई, ग्राम प्रधान आते हैं देख करके वो भी चले जाते हैं। इस तस्वीर में आप छोटे छोटे स्कूली बच्चों को जाते देख रहे हैं। ये बच्चे रोजाना ऐसे ही जिंदगी और मौत की जंग की लड़ाई लड़ते हुए रोजाना यहाँ से स्कूल जाते हैं। कभी गांववासी बच्चों को गोद में उठाकर घर ले जाते हैं तो कभी बच्चे अकेले ही ऐसे जाते हैं। ना तो इन बच्चों का दर्द, ना इन गाँव वालों का दर्द महिला ग्राम प्रधान को दिखता है, ना ही किसी सांसद या विधायक को। लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो वोटों के लिए उनको लुभाने के लिए झूठ झूठ वादे किए जाते हैं। उस वक्त विधायक व सांसद ग्रामीणों के पैर छूकर उनसे झूठे वादे कर वोट लेकर जीत तो जाते हैं, लेकिन बाद में इन गाँव वालों की समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं होता। सुनवाई तो कुछ भी नहीं हो रही। अब ये जो है सारा खेल पीएनसी और एनएच का है, ये जो मानक विहीन का जो है कार्य प्रणाली इनकी है, ये अपना काम करके एक तो रोड सक्रिय किए दे रहे हैं और गांव का करीब 200-250 साल से पानी जो है हमारा जो है नाले से जा रहा, तो वो बरसाती नाला है उसमें मिला हुआ था। इन्होंने किया क्या कि ये बोल रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है और पैसा वहाँ से पास नहीं हो रहा है, ये सारी जो है दिक्कतें बता रहे हैं। और ये पीएनसी को आर्डर दिया गया है कि अपना काम चुपचाप निकाल के यहाँ से समेट के निकल लो। और बताइए, हम लोगों का गांव थोड़ा नीचे स्तर पे, ये अपना नाला जो बना रहे हैं ये उठा के ऊंचाई से बना रहे हैं,
तो ये इस तरह की सारी दिक्कतें आ रही हैं हम लोगों को, और यहाँ सांसद और विधायक ना कोई सुनने वाला ना कोई, चूँकि इनको वोट लेना होता है। अभी 24 में चुनाव है, अभी सब ये कटोरा लेके जो है खड़े हो जाएंगे कि भैया वोट देना सरकार बनाना, लेकिन अभी इस टाइम कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी जो है व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ रहा है जो है, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो, कोई भी हम लोगों की जो है समस्याओं के निवारण हेतु यहाँ कोई नहीं आ रहा। छोटे आदमी थे ना तो कहते बड़े आदमी कौन सुनता नहीं है, क्या करें बताओ। कितने साल से पानी ऐसे भरा हुआ है? अरे 2 साल हो गए, 2 साल से भरा हुआ पानी, और जब पानी आवा तो तब इधर ले जाते, जब नहीं आवा तब इधर ले बीच गाँव ले से जाते। अरे बहुत जान से शिकायत करते थे, तो जब यहाँ कोई आता नहीं, शिकायत कैसे करें? कोई आता नहीं है? नहीं अपन, हाँ ये तो खुद बीमार, हम खुद बीमार हैं, क्या करें? हम 20,000 की दवा खुद हम करा चुके, अपने अपने बच्चे की करा चुके हैं इस गंदगी की वजह से। तालाब के किनारे रहते हैं, पूरा तालाब भर जाता है, अंदर तक पानी चला जाता है। पानी कम से कम नहीं 2-3 फुट तक भर जाता है पानी। तो यहाँ पे जो ग्रामीण है वो सीवर की जो समस्या है उससे जूझ रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ बात की जाती है विकास के दावों की, पुल का निर्माण तो एनएच वाले करवा रहे हैं, वहीं पीएनसी की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को, आप देख सकते हैं ग्रामीणों का जो हुजूम है यहाँ मौजूद है, और ये यहाँ पे ग्रामीण है जो इस वक्त सीवर के समस्या से जूझ रहे हैं, जो वहाँ से छूट कर अब ये यहाँ पे गाँव के अंदर भर जाता है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ ग्रामीण मौजूद थे, महिलाएँ मौजूद थी, उन्होंने बताया कि अपनी समस्या की, कितने साल से ऐसे ही यहाँ पर पानी भर रहा था।